टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के स्टेडियम में जो गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाड़ की तरफ से कोविड सेंटर बनाया गया है, इस कोविड सेंटर में टोटल 119 कोरोना के मरीज भर्ती हैं, जबकि 19 कोरोना के मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जिनमें से 100 कोरोना के मरीज कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं, जिनमें से आज एक दीवा के रहने वाले जो आईसीयू में भर्ती था कोरोना का मरीज, उसे डिस्चार्ज किया गया है। इस कोविड सेंटर से ये पहला आईसीयू का मरीज है जो डिस्चार्ज किया गया है। अभी भी 18 कोरोना के मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। अभी तक इस कोविड सेंटर में किसी भी कोरोना के मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं इस मरीज को जब डिस्चार्ज किया गया, उस वक्त मनपा के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी, धनंजय गोसावी, इसके अलावा एनसीपी के कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष शमीम खान, शानू पठान, इब्राहिम राउत, तशरीन राउत और डॉक्टर स्टाफ, पूरी टीम मौजूद रही। मरीज को डिस्चार्ज किए जाने पर फूल से उसका स्वागत किया गया। वहीं इस मरीज ने भी डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर और स्टाफ, मनपा के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी और धनंजय गोसावी का शुक्रिया अदा किया है। मैं पहला तो जितेंद्र रावत साहब का शुक्रिया मानता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह से हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जो कि इधर पेशेंट आने वाला अच्छी तरह से ठीक होके जाते हैं। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, इधर के जो स्टाफ डॉक्टर वगैरह हैं, नर्सेस है, सर लोग है, गोसावी सर है, सब सर जितने भी है, वो अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। मतलब पेशेंट को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत उनका इलाज हुआ जाता है। और जैसे ध्यान देने का बोले तो कहाँ से सुनने में आता है कि ये कोविड सेंटर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, वैसा कुछ भी नहीं है। इधर बहुत ही अच्छी तरह से इधर बेटर, सबसे बेटर बोले तो सबसे बेटर ध्यान दिया जाता है। मनपा के अधिकारी जो है, गोसावी सर हैं और जोशी साहब हैं, इन लोग का बराबर यहाँ पर विजिट होता रहता था और दोनों टाइम बराबर से ध्यान देने के लिए आते हैं सर। बहुत अच्छा। कोरोना को लेकर लोगों में जो डर है उसके लिए क्या कहोगे? कोरोना को लेकर जो डर है लोगों में, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि लोगों को डरना नहीं चाहिए। जो डरते हैं वो डर से ही आधा चले जाते हैं। अगर इससे डरेंगे नहीं तो ये अच्छी तरह से अच्छा हो जाएगा। सर क्या कहेंगे आप, किस तरह से यहाँ से पहला मरीज डिस्चार्ज हुआ है और अभी कितने मरीज अभी यहाँ पर हैं फिलहाल? देखिए, जैसे शानू भाई ने और राउत मैडम ने बताया, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारा जो पहला आईसीयू का पेशेंट है उसका डिस्चार्ज हुआ। इधर मैं खास उल्लेख करूंगा माननीय गृह हाउसिंग मिनिस्टर अवार्ड साहब की, माहड़ा के तरफ से कलवा और हमारे कौसा में दो स्टेट ऑफ द आर्ट कोविड केयर सेंटर्स खुल गए। आपको बताऊंगा कि हमारे कलवा में आज 207 पेशेंट हैं और यहाँ आईसीयू में 18 पेशेंट्स हैं और जो O2 बेड्स हैं वहाँ ऑलमोस्ट 85 पेशेंट्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कौसा कोविड केयर सेंटर में नॉन मुंब्रा, मतलब मुंब्रा के बाहर के पेशेंट्स हैं। आज ऐसा ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है जहाँ सारी सुविधाएँ, वेंटिलेटर हो, आईसीयू रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हो, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो, और उसी का ही नतीजा आप देख रहे हैं कि आज पेशेंट एकदम खुशी उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। यहाँ बहुत ही गरम न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है, दवाइयाँ समय पे दी जाती है, हाउसकीपिंग इतनी अच्छी रखी हुई है, आप यहाँ की सिक्योरिटी देख सकते हैं वो इतनी अच्छी है। यहाँ जो डे टू डे मॉनिटरिंग है वो हमारे गोसावी साहब और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सागर साहब करते हैं। और जैसे शानू भाई ने बताया, ये एक टीम वर्क है, प्रशासन और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि पॉलिटिशियंस कम और सोशल वर्कर ज़्यादा हैं, तो हम सब ने मिल के आज एक अच्छा काम किया है। एंड एक मैं मेंशन करूँगा हमारे कमिश्नर सर, जो कि हमें रेगुलरली फीडबैक देते हैं, गाइडेंस देते हैं, हमें सलाह देते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज ये दोनों सेंटर इतने अच्छे से चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पेशेंट आएंगे, ठीक होके जाएंगे। क्या कहेंगे गोसावी साहब, आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया है कोरोना काल में, लगातार 24 घंटा रात दिन एक करके ड्यूटी दिए हैं, तो ऐसे आज जो है डिस्चार्ज यहाँ से पहला मरीज हुआ है और इसमें भी आप लोग का बराबर विजिट रहता है, क्या कहेंगे आप? मैं पहले
सभी मुमरा के नागरिक हैं और हमारे जो कॉरपोरेटर है, इंडिया में ऐसा पहला शहर है जिधर जीरो पेशेंट 25 तारीख को मिले और कंटिन्यू 4 टाइम्स जीरो पेशेंट मिले। ये सब लोगों की मेहनत है, इन लोगों के लोगों ने हमको जो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों ने हमको ग्राउंड लेवल पर क्या मांगता है बेसिक सुविधा वो हिसाब से पहला एक सितंबर 29 मई को अपन हॉस्पिटल चालू किया। जो नगर सेवक थे अपने विधानसभा के अध्यक्ष शमी महीने जो मेहनत करके पहला वो सेंटर चालू किया, उसका नतीजा ये मिला कि अपना उमरा जीरो हो गया। अभी तक कौन सा शहर जीरो नहीं हो गया, 4 टाइम्स कंटिन्यू 4 टाइम्स। अभी भी अपनी रेंज चल रही है 3 पेशेंट 4 पेशेंट, बीच में थोड़ा 10 तक गए था फिगर, मगर वो भी अपन कंट्रोल कर रहे हैं। मगर जो पेशेंट थाना के बढ़ रहे थे, ऊपरी में बढ़ रहे थे, वागले स्टेशन में बढ़ रहे थे, माजोड़े में बढ़ रहे थे, तो ग्लोबल में इतना लोड आ रहा था पेशेंट का कि उधर पेशेंट को एडमिट करने के लिए कॉट नहीं मिल रही थी। मगर यहाँ अभी सब्स्टिट्यूट मिला अपने को मुमरा का, तो ग्लोबल का पेशेंट अभी इधर ला सकते हैं। बोले तो थाना का कौन से भी पेशेंट को कॉट नहीं मिली, ऐसा कोई अभी रहने वाला नहीं है। हमारे पास अभी भी 70 कॉट खाली है, तो ग्लोबल का लोड अभी हम ले रहे अपने मुमरा के लोगों को और थाना के लोगों का और बाहर के और महाराष्ट्र के पेशेंट शिरडी से आ रहे, जळगाव से आ रहे, धुळे से आ रहे, नाशिक से आ रहे। जो हमारे मंत्री महोदय का जो सपना था कि पूरे महाराष्ट्र लोगों वालों को हॉस्पिटल यूज हो जाएगा, वो हिसाब से सभी लोगों को और आप मैसेज भेजा है जिसको जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, आने जाने का खर्चा करो, हमारे पास इधर फ्री में सुविधा मिल रही है। आज ही तुम्हारे सामने एक पेशेंट हमने डिस्चार्ज कर दिया आईसीयू का, जो ग्लोबल का लोड हम कम करने में थाना का पेशेंट को मदद करने के लिए जो हमारे कमिश्नर साहब ने और इधर के नगर सेवक को मैं काफ़ी ये करूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि हॉस्पिटल बनाने में, शमीम भाई का खास नाम कि जो दिन रात मेहनत करके खड़ा होकर रात को 12 बजे आते हैं 1 बजे, हमको एक मोरल सपोर्ट दिया उन्होंने, वो मोरल सपोर्ट का नतीजा अपने को रिजल्ट आज मिला है। अपना मुमरा ये पेशेंट अपना आज गया और मुमरा का अभी भी कंट्रोल में है, जो कोविड के पेशेंट की जो ये है संख्या है वो अपने कंट्रोल में पा रहे हैं। ये सब ये लोगों की मेहनत की वजह से हो गए। बताइए सर, जिस तरह से लोग यहाँ तो आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा हेल्पलाइन नंबर वगैरह जारी है कि जिससे लोग संपर्क कर सकें आपके यहाँ तक आ सकें? हमारा हमारे कोविड ग्रुप है और महाराष्ट्र में सब जितने भी कोविड हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रुप है, हर ग्रुप में मैं सबको डाल दिया है कि ये मुमरा कलवा में और मुमरा में एक फ्री हॉस्पिटल है, जो गरीब लोग हैं नहीं इलाज कर पा रहे हैं वो लोग भी इधर आके इलाज कर, खाली आने जाने का खर्चा लगेगा, ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में मैं खुद सब जितने भी 36 डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर है मेडिकल ऑफिसर उनको मैं सबको भेजा है, वो तरफ से बाहर से भी पेशेंट अभी आ रहे हैं।